नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल में। मीन राशि, शनि वक्री, शनि की उल्टी चाल शुरू। 137 दिन ये सब होकर ही रहेगा। जिंदगी हमेशा यही सिखाती है दोस्तों कि मेहनत करो, कभी भी रुको मत। हालात जैसे भी हों, कैसे भी हों, क्यों ना हो, लेकिन किसी के आगे कभी झुको मत। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। दोस्तों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं। 30 जून में और 14 नवंबर तक शनिदेव जो हैं वो वक्री रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी कि 137 दिनों के लिए शनि रहेंगे वक्री। अब हम ये जानेंगे कि शनि के वक्र अवस्था में आपकी राशि में क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में क्या फल लेकर आएंगे, शनि की कहाँ दृष्टि पड़ेगी, कहाँ संबंध बनाएंगे और उन दृष्टियों का आपके जीवन में क्या असर आएगा, ये हम जानेंगे और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम बता दें कि वक्री क्या होता है, आपके जीवन में क्या फल आ सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और अंत में बताऊंगा आपको उपाय क्या करने चाहिए। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपको आपकी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम के अक्षर के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। शनि हो जाएंगे वक्री 30 जून को। सबसे पहले दोस्तों, वक्री क्या होता है, क्या आप जानते हैं, कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि शनि हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपनी गति के अनुसार ही गोचर करते हैं। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट। शनि जो है 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में, गुरु 1 साल, बुध ग्रह 16 से 18 दिन और शुक्र ग्रह 22 से 24 दिन, मंगल 1.5 महीने लगाते हैं। तो सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं। अब जब शनि जो है कहीं ना कहीं सूर्य से एक दूरी बना लेता है अधिकतम, तो वो हो जाते हैं वक्री। यानी कि वक्री का मतलब होता है कि अपने सही गति के अनुसार गोचर न करना। इसको कुछ लोग कहते हैं ग्रह उल्टे हो जाते हैं या उल्टा चलने लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सच बताऊं तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया, बाकी जो चाल होती है, जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो ग्रह होता है वो एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब जब शनि यहाँ आपके वक्री होंगे तो आपको एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ आपके 12वें भाव पे शनि वक्री होंगे तो ये अपने यानी एक भाव, एकादश भाव का भी रिजल्ट देंगे शनिदेव। 12वां भाव होता है विदेश का, आउट ऑफ कंट्री का, हॉस्पिटल का और सेहत को लेकर, स्वास्थ्य, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, जेल वगैरह का होता है। और 12वां भाव होता है यानी 12वां भाव इन सब चीज़ों का होता है, विदेश का होता है, स्वास्थ्य संबंधी या फिर धन के हानि खर्चे वगैरह, ये 12वां भाव होता है। और 11वां भाव होता है मान सम्मान का, उच्च पद की प्राप्ति का, धन का, बड़ा धन आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं, और उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन वगैरह देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, मीन राशि के जातकों, आपके लिए शनि चूंकि 12वें भाव पे वक्री होंगे और एकादश भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो आपको कई बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, नौकरी वगैरह में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर आप विदेश नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आउट ऑफ कंट्री की यात्रा भी होगी, लेकिन हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ेंगे इसमें। और इसमें कोई आपके फैमिली में, परिवार में सेहत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजरना पड़ेगा और आपको 30 जून से 4 नवंबर तक के बीच में हॉस्पिटलाइज खर्च के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था पहले से, तो उसमें उलझे रहेंगे, या फिर आप यूं कहें कि इसमें आपको धन हानि खर्चित होंगे। लेकिन एक चीज है, नौकरी करते हैं तो परिवर्तन होगा, बिजनेस व्यापार करते हैं तो परिवर्तन होगा, प्रॉफिट को भी बढ़ाने वाला साबित होगा यह समय। शनिदेव की कृपा से 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक आपको प्रॉफिट भी होगा और जबरदस्त होगा। अब जब कुंडली आपकी कैसी है, उसमें दशा महादशा क्या चल रही है, ग्रह कैसे हैं, एक तो ये दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये गोचर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जब आपका 11वें भाव का भी रिजल्ट देंगे तो काम में अच्छी खासी आपको सफलता भी देखने को मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। जो सुस्ती थी, जो इसमें काम आपका रुक रुक कर हो रहा था, वो रुक रुक कर इतनी जल्दी नहीं होगा, जल्दी जल्दी आप करेंगे और फटाफट आपको होगा। हालांकि शनि ग्रह स्लो है, ये धीरे धीरे काम करते हैं, तो थोड़ा स्लो तो रहेगा लेकिन
टारगेट को सही समय पर आप यानी कि काम करते रहेंगे। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब पिछले भाव का रिजल्ट देते हैं तो मतलब है कि परिवर्तन होने के लिए 100% यानी संभावना बन रही है। ट्रांसफर जिनका प्रश्न है, प्रमोशन जिनका प्रश्न है, तो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है। उम्मीद बहुत अच्छी बनी रहेगी यहाँ पर मीन राशि के जातकों आपके लिए शनि वक्री होने से, और इनकी जो दृष्टि है वो आपके धन भाव फैमिली पे पड़ेगी, तो फैमिली में भी जो उलझन थी वो दूर होगी, फैमिली में सामंजस्य बैठेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परिवारजनों को सहयोग प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, डिसीजन जो पहले नहीं ले पा रहे थे, स्ट्रांगता नहीं थी आपके डिसीजन में, आपके विचार तालमेल परिवार में नहीं खा रहे थे, वो सारी चीज़ें खाएंगे और अच्छा खासा कोई महत्वपूर्ण शुभ समाचार भी मिलेगा फैमिली को लेकर। हालांकि इसमें आपको डाउट रहेगा किसी भी काम में को लेकर, यानी डाउट मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, जैसे अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, घर परिवार के साथ, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो लव लाइफ भी इसमें आपको मिला जुला सर रहेगा, हालांकि पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा और इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफ़ी मिला जुला रहेगा, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना होगा, आउट ऑफ कंट्री या विदेश में अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, इसमें आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, कई अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, लाभ की स्थिति लगातार बढ़ी रहेगी और जो कुछ समस्या जो कुछ भी परेशानियाँ थी वो दूर होगी, अच्छे कई महत्वपूर्ण योग बनेंगे आपके लिए और साथ ही साथ इसमें निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त होगी, धन व्यापार से आएगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, राजनीतिक मसले हल होंगे, राजनीति से जुड़े जातकों के लिए इसमें काफ़ी विशेष रहेगा जो मीन राशि के जातक हैं। साथ ही इसमें आपके घर में कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है, शादी विवाह का आयोजन हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कई अच्छे शुभ समाचार मिलने का योग भी बन रहा है, धन तो आएगा लेकिन इसमें बड़ी कंपनी से ऑफर भी आ सकते हैं, चेंजिंग प्रमोशन वगैरह आपके हो सकते हैं, पर यहाँ खर्च होंगे, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी गुजरना पड़ेगा, खर्चे बहुत होंगे, आमदनी तो होगी लेकिन खर्चे भी जबरदस्त तरीके से आएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे आया और कैसे चले गए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी के मामले कोई चल रहे थे तो उसमें उलझे रहेंगे, उसमें भी धन खर्च हो सकते हैं, फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज खर्च हो सकता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम आपके उपाय की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको मीन राशि को शनि के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम शनि शनिश्चराय नमः, और पीपल के पेड़ का दर्शन शनिवार के दिन जरूर करें, काले तिल शनि देव के ऊपर जरूर चढ़ाएं और सरसों का तेल ये जरूर उपाय करें, साथ ही केले के पेड़ की पूजा भी आप करें बृहस्पतिवार के दिन और शनि देव की पूजा अधिक से अधिक करें। तो ये था मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि वक्री का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।